नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में चार सीटों पर मतदान के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित है। बीजेपी का मानना है कि चारों सीटों पर जनाधार का उसे भरपूर फायदा मिल रहा है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने आरोप लगाए कि हार के डर से घबराया महागठबंधन हताशा में उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने जमशेदपुर में हुई घटना के लिए विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल जमशेदपुर में जुगसलाई में जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत में पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग और एक आरएएफ जवान जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू किया। जमशेदपुर में जुगसलाई में कुछ बूथों में इस प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वहां की शांति भंग हो। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा, ऐसे कई दलबाज ये लोग झारखंड में हताश और निराश है। कोयलांचल से लेकर कोल्हान तक इस बार वोटों की बारिश हुई। तीसरे चरण में झारखंड में बंपर वोटिंग हुई। शहर से लेकर ग्रामीण मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि इस बार नक्सलियों के गढ़ में भी लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास देखने लायक था। लाल आतंकी लाख धमकियों के बावजूद वोटर्स घर से निकले और जमकर मतदान किया। झारखंड में बंपर वोटिंग। वोटर्स का सुपर संडे। चार का रन संपन्न। झारखंड में तीसरे चरण में चार सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। सिंहभूम में तो मतदाताओं ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहीं गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में भी फर्स्ट क्लास की वोटिंग हुई, यानी वोटिंग प्रतिशत यहां भी करीब 65 के करीब है। चारों सीटों पर करीब 65% वोटिंग लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अच्छा है। अब ग्राफिक्स के जरिए चारों सीटों पर वोटिंग प्रतिशत का पूरा आंकड़ा देख लीजिए। गिरिडीह 65.93%, धनबाद 59.60%, जमशेदपुर 66.44%, सिंहभूम 67.79%। सिक्स्थ फेज इलेक्शन जो झारखंड के लिए तीसरा फेज है का समापन हुई। पीसफुल पोल थी। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड ने संडे को छुट्टी के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ मनाया। जमशेदपुर में छिटपुट घटना को छोड़ दे तो चारों सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, जो प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए भी सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में आज सुपर संडे रहा। तीसरे चरण के मतदान में चारों सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। राष्ट्र निर्माण के लिए आम लोगों के साथ दिग्गज भी मैदान में उतरे। मुख्यमंत्री रघुवर दास, जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, पूर्व सीएम मधु कोड़ा जैसे तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आखिरी चरण में लोगों से भागीदारी निभाने की अपील भी की। तीसरा चरण, चार सीटों का रण, किसका चमकेगा सितारा, किसका टूटेगा मन। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण संपन्न हो गया। चार सीटों के चौसर पर जनता ने अपनी बाजी खेल ली। उधर चार के चक्रव्यूह को भेदने के लिए दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे और अपने मताधिकार का बखूबी इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास पूरे परिवार के साथ जमशेदपुर के हरिजन उच्च विद्यालय पहुंचे और लोकतंत्र के महाउत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। भारत के लिए, इस देश के लिए, एक देश में एक स्थिर सरकार बने, एक देश में एक मजबूत सरकार बने, एक देश में भारत सुरक्षित देश रहे, भारत विकसित भारत बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन भी बोकारो के सेक्टर 1 में वोट डालने पहुंचे।
धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बूथ पर मतदान के बाद गुरुजी ने महागठबंधन को पिछली बार से अधिक कामयाबी मिलने का दावा किया। कितना सीट मिलेगा इस बार? जमशेदपुर की जंग में बीजेपी के विद्युत वरण महतो का सामना जेएमएम के चंपई सोरेन से है। अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे दोनों प्रत्याशियों ने जमशेदपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सिंहभूम का सरताज बनने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा और कांग्रेस की गीता कोड़ा चुनावी मैदान में है। लक्ष्मण गिलुवा ने चाईबासा के टोकलों में अपना वोट डाला और रिजल्ट से पहले ही प्रतिद्वंदी गीता कोड़ा को करीब 1.5 लाख वोट से हराने का दावा कर डाला। भारतीय जनता पार्टी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, धनबाद लोकसभा क्षेत्र और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में काफी बढ़त लेकर के ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेगी। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी अपने गृह क्षेत्र चाईबासा के पाताहातू में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गीता के साथ उनके पति और पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। संपूर्ण विश्वास है कि इस बार पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस का प्रत्याशी गीता कोड़ा जरूर जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। धनबाद के दंगल में ताल ठोक रहे बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह भी पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हुए। वोट डालने के बाद सिंह अपनी और एनडीए की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, सूचना के आधार पर कह सकता हूं कि 14 में 14 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने गिरिडीह में वोट डाला तो बहरागोड़ा से जेएमएम विधायक कुणाल षाडंगी ने भी घाटशिला में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल ने गुजराती स्कूल के बूथ पर वोट डाला और राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। लोगों को मताधिकार के लिए प्रेरित करने वाले अधिकारी भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के चाईबासा में कुल्हान कमिश्नर ने भी पूरे परिवार के साथ मतदान किया। ये बहुत बड़ा एक तरह का माने हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है और ये मेरा अधिकार तो है ही, साथ साथ बहुत बड़ी देश के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। मूंगिया स्टील के डायरेक्टर डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने भी गिरिडीह में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने के लिए सभी लोगों से अपील की कि जिन लोगों को हम यहाँ से चुन के भेजते हैं उन्होंने 5 साल काम करना है और जिनका हमें चुनाव करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम हम अपनी ड्यूटी पूरी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नक्सलियों की गढ़ से लेकर शहरी मतदाताओं तक में गजब का उत्साह दिखा। धनबाद और जमशेदपुर में दूल्हा शादी में जाने से पहले वोटिंग करने पहुंचा तो नोएडा में रह रही इंजीनियर को जब टिकट नहीं मिला तो बुलेट से वोट करने गांव पहुंच गई। रिपोर्ट आप देखिए। बुलेट गर्ल ने डाला वोट, बारात लेकर निकले युवक ने डाला वोट, पहली बार किसी ने डाला वोट तो 6 दशक पार बुजुर्ग ने डाला वोट। ये लोकतंत्र के महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर है जिसे जितनी बार देखिए लगता है हमारा लोकतंत्र क्यों दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है। झारखंड का सुदरवर्ती इलाका हो या फिर लाल आतंक का गढ़, शहरी मतदाता हो या फिर गांव के बुजुर्ग, सबने मिलकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दी। रविवार को झारखंड ने जमकर वोट डाला। झारखंड के 4 सीट जमशेदपुर, धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह में वोटरों में उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पहुंचने लगे और लोकतंत्र के महापर्व में शरीक होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। झारखंड में चुनाव के कई रंग देखने को मिले हैं।
लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग जमशेदपुर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग महिला को भले चलने में तकलीफ हो रही हो लेकिन मतदान करने का हौसला काबिले तारीफ है। यही जज्बा इस युवक में भी है जो बारात निकलने से पहले मतदान करने पहुंच गया, जिसके बाद बारात लेकर छत्तीसगढ़ रवाना हुआ। जमशेदपुर के सोनारी बूथ पर दूल्हे ने अपना वोट डाला। कुछ ऐसा ही नजारा धनबाद में भी दिखा। झरिया के नरेंद्र कुमार साहब ने बारात जाने से पहले मतदान किया। नरेंद्र कुमार शाह बारात लेकर काली मेला के जामा डोबा काली मंदिर बूथ पर पहुंच गए। पहले वोटिंग की, फिर बारात लेकर बिहार शरीफ के लिए रवाना हो गए। इस लोक सभा के महापर्व में हम यही सबको संदेश देना चाहेंगे कि हमें अपना वोट सबसे कीमती माना जाता है और हम अपना वोट जारी ना करके जो भी काम हो वो काम बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये 5 साल में एक बार आता है तो इसको सबसे पहले महत्वपूर्ण समझते हैं और सभी लोग को चाहते हैं कि सभी लोग भारी से भारी जा करके सभी हर समय वोट करें। सड़क पर सर पर बुलेट दौड़ाती इस लड़की को भी देख लीजिए कि लोकतंत्र के प्रति उत्साह ही तो है कि सिर्फ वोट डालने के लिए यशोदा नोएडा से बुलेट लेकर धनबाद पहुंची। पहली बार वोट करने का जोश यशोदा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। यशोदा ने धनबाद के बलियापुर बूथ पर मतदान दिया। यशोदा का कहना है कि पहली बार वोट करने को लेकर वो काफी उत्साहित थी। ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो 1300 किलोमीटर का सफर बुलेट से ही अंजाम दिया। यशोदा ग्रेटर नोएडा में विप्रो कंपनी में टेस्ट इंजीनियर हैं। लोगों को मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आज भी ज्यादा से ज्यादा बिहार और यूपी में लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं या लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता है, तो स्पेशली मैं उनको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की उतने दूर से बुलेट चला के लोगों से बात करते हुए वोट के लिए आ सकती है तो एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी लड़कियां या लेडीज जो भी है वो अपने घर से बाहर निकल के ज्यादा से ज्यादा वोट दे ताकि हमको सही नेता मिल सके। घाटशिला में जिस जगह कभी बंदूक की गर्जन सुनाई देती थी और नक्सलियों का फरमान चलता था, वहां लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर देखी गई। घाटशिला के गुराबंदा थाना क्षेत्र के मुचरी शोल सिंहपुरा गुराबंदा में पहले वोटिंग ना के बराबर होती थी, वहां आज तस्वीर बदल गई है। अब यहां की लड़कियां भी वोट कर रही हैं। बिनोता मुंडा पहली बार मतदान करने पहुंची। सबको देते हैं वोट, अपना नेता चुनने का हर किसी को हक होता है। हम भी सोचते हैं कि हम लोग भी अपना खुशी से अपने नेता को चुनना चाहते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जैना मोड़ के बालिका उच्च विद्यालय को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। यहां भी सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी रही। जैना मोड़ के लोगों ने जमकर वोटिंग की। चिलचिलाती धूप में भी वोटर्स में उत्साह कम नहीं पड़ा। जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है किस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जो लंबी कतार है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी वर्ग के लोग जो है मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद में भी उत्साह अपने चरम पर रहा। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 2378 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 54 मॉडल बूथ और 23 सूखी बूथ था जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा सफल संचालन किया गया। आधी आबादी की भागीदारी से लोकतंत्र का महापर्व और खूबसूरत हो गया। हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है और अच्छा लग रहा है कि देश में जो काम हो रहा है उसके लिए हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। मतदान केंद्र पर पहली बार वोट करने पहुंचे वोटर्स जोश में दिखे। खाटशिला के मतदान केंद्रों पर भी गजब का उत्साह देखा गया। वोटर्स मतदान केंद्र पर वोटिंग करते नजर आए। प्रशासन की ओर से यहां सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं की गई थी, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। झारखंड में तीसरे चरण के मतदान को लेकर बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। धनबाद लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला।
राजकीय मध्य विद्यालय मुकुंदा में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कि हमारा सरकार जो भी हो भ्रष्टाचार और क्या बोलता है जो भी हो बेरोजगारी सबको दूर करे, ऐसा ना कि अभी इलेक्शन के टाइम में जीत ले फिर बाद में वो सो जाए। अभी जो इलेक्शन में जितना भी मेहनत कर रहे नेता लोग वो क्या 5 साल पहले करते तो इतना अभी करने की जरूरत नहीं होता। चाईबासा के मतदान केंद्र संख्या 99 और 100 पर वोटर्स के लिए खास इंतजाम किया गया था। मतदान केंद्र पर मतदाता के लिए रेड कार्पेट बिछाए गए थे, बाहर कूलर का भी इंतजाम था, सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए चेयर और बच्चों के खेलने का भी प्रशासन ने इंतजाम किया था। आई गेस वोटिंग इज आवर राइट, हम लोगों को करने का जरूरत है। इफ यू डोंट वोट देन कल को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम लोग उसके अगेंस्ट या उसके फॉर में करेंगे तभी कल को क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होगा हम लोग के सिटीजन होने और नहीं होने का। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी बूथों की मॉनिटरिंग चाईबासा डीसी कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से की जा रही थी। डीसी अरवा राजकमल खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। मैं मानता हूं कि एक इंसिडेंट फ्री इलेक्शन कराना भी प्रशासन का प्राथमिकताओं में एक है। खास करके अगर आप देखेंगे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चाईबासा को देखा जाता है और अभी माओवाइस्ट के भी कई सारे टॉप लीडर्स यहाँ अभी जंगल में अभी यहाँ हाइड आउट कर चुके हैं, तो वैसे लोगों के उपस्थिति में एक प्रेस्टिजियसली जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ को लिया है। काफी अच्छा सहयोग हम लोगों को सीईओ ऑफिस से भी हम लोगों को मिला है डायरेक्शन। वहीं झारखंड के चारों सीटों पर झारखंड मुख्य निर्वाचन आयोग भी नजर बनाए हुए था। रांची में बनाए गए कंट्रोल रूम से झारखंड के तीसरे चरण के चुनाव पर नजर रखी जा रही थी। सभी बूथों पर वेब कैम से नजर रखी जा रही थी। तो झारखंड में तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है लेकिन चौथे और फाइनल फाइट के लिए सीएम रघुवर दास हुंकार भर रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका में गुरुजी के खिलाफ खूब गरजे। जेएमएम के अभेद दुर्ग को भेदने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोर्चा संभाल लिया है। संथाल परगना में होने वाले अंतिम चरण के चुनाव को लेकर सीएम रघुवर दास दुमका में चुनावी कैंपेन में जुट गए हैं। दुमका में मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के लिए वोट मांगे और दुमका से जेएमएम प्रत्याशी गुरुजी यानी शिवू सोरेन पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि गुरुजी को यहां की जनता ने 40 वर्षों से सम्मान दिया लेकिन आदिवासी समाज खुद सोचें, यहां के पढ़े लिखे युवा युवती खुद सोचें कि पिछले 40 साल में क्या हुआ। सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बूढ़ा मोर्चा हो गया है, संथाल परगना को अब युवा चाहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बूढ़ा मोर्चा हो गया, क्या हो गया, संथाल परगना को युवा चाहिए, युवा, क्योंकि इसी जामा की भूमि से सुनील सोरेन एक राष्ट्रीय पार्टी मोदी जी की पार्टी का उम्मीदवार। सीएम रघुवर दास ने सभा की शुरुआत जामा विधानसभा के केरावनी से किया। सीएम रघुवर दास को सुनने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। संथाल परगना झारखंड की राजनीति का केंद्र माना जाता है, सालों से यहां शिबू सोरेन का सियासी तिलिस्म कायम है, ऐसे में इस बार बीजेपी दुमका में पूरा दम लगाए हुए है। सुबीर, जी मीडिया, दुमका। पूर्व मंत्री और रांची से कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत साहे ने साहेबगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया और राजमहल लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए वोट मांगे। मंच से बोलते हुए सुबोध कांत साहे ने भाषा की मर्यादा लांग डाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। सुबोध कांत ने अच्छे दिनों के वादे पर सवाल खड़े किए, साथ ही 15 लाख वाले बयान पर भी प्रधानमंत्री पर तीखे प्रहार किए। सभा में बिहार के कटिहार से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर भी मौजूद रहे। पांच लोगों का परिवार होगा तो 3-3 लाख रुपया सबको मिलेगा, खाता खुलवा के किसी
मतलब नहीं बना आज। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।